और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। माय एक्सलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सलेंसी चांसलर सोल्च, हर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारी नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।